मामा, ओ मामा, देखो ने अड़पणे आप तलन लाग रहा। मामा जी, आप किने हाथ जोड़ रहे हैं? वहां तो कोई भी नहीं है। मैं अपने भगवान को हाथ जोड़ रहा हूँ। कहाँ है भगवान? वो देखो, बैलों के पास खड़े हैं। मामा, बैल तो रुक गए और वहां कोई भी नहीं है। मामा, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मैं तो अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं भी अपना काम करता हूँ। अच्छा, आप हो, मैं समझ गया। प्रणाम भगवान। माँ, ए माँ। के बात से बेटा, क्यों रोड़ा कर रहा से? कती बड़का की ढाला चंचल हो रहा से तू ते? अरे बेटा, इब तू जवान हो गया, बालक ना रह रहा। माँ, मैं तो इब भी बालक सुन, पहले मामा की शादी करवाओ। हाय राम, अपने कुनबे के चक्कर में मैं तो अपना भाई ते कतिये भूल गई थी, अब उसका ब्याह भी कराना से। माँ, ए माँ। हाँ बेटा। आज मामा खेत में बेरनी के करन लाग रहे थे। के करा था रे? गंडा सा अपना हाथ पर ठाऊ है, फिर फेंक दे, फिर ठाऊ है, फिर फेंक दे। उनका तो खेती बाड़ी में कति ध्यान लागदा ही नहीं। मोहन का ब्याह तो करवाना पड़ेगा, जब ब्याह नहीं कराया तो सन्यासी हो जाएगा और फिर लोग की कहेंगे। ब्याह तो करवाना पड़ेगा। ले मोहन आए गया, ये बिस्तर ब्याह की बात करूं सो। मोहन भाई, के बात सर कि मैं दुखी सा लग गया है, क्या हो गया? मैं तो ठीक सुभाण, जो तू करना चाहो से ने मन बेरा है। मेरे ब्याह की बात करनी छोड़, मन ने ब्याह नहीं करवाना बेबे। तो सारी उम्र रांडा रहेगा, दुनिया मेरे पे बात मारेगी, बाहर ने अपने लालच में भाई ना ब्याया। मन ने एक लड़की पसंद कर रखी से और उससे तो तेरी सगाई पक्की करवाने ताई कल लाई ने नेक दे के भेजूंगी। रहने दे बेबे, मैं बार बार तो नहीं आए बात कहूँ, मन ने ब्याह नहीं करवाना। जब भाण की बात न टालेगा न, तब भाण का है ना मरा मुंह देखेगा। ना भाण, इसी बात नहीं कहा करते। ठीक से जुकुर तू कहेगी मैं नुआ कर लूंगा, पर एक बात बता दूं बेबे, फिर मेरा ब्याह नहीं हो पाओगा। क्यों ना हो पाओगा रे? अगले जन्म ना ब्याह हो तेरा, बंधना हो ना मोड़ का। जिस भी छोरी के लिए मेरा ब्याह करने की सोचेगी, ब्याह की बात चलन ते पहले बेबी वो मर जाएगी। अरे मेरे बावले भाई, मैं भी देखूंगा क्यों कर मर जाएगी। ठीक से बेबी, मैं चल्या खेत में, जुगर तेरी मर्जी हो नु कर ले। बबी कानी, ए बबी कानी।
के बात या पोटली हाथ में किसी ले रहा है। बहु नी पुचकार के आया। बहु की पुचकार गाऊं था भाभी, वो जो छोरी पुचकार नहीं थी वो तो मेरे जान दे पहले ही मर ली। हे राम, यो के चाला होया, यो क्यों कर होया? राम जाने भाभी, न्यू बताओ थे कि एकदम पेट में दर्द उठ गया और अर्जी लकड़ गया। तू फिकर ना करे भाभी, मैं और छोरी देख दूंगा। अच्छा भाभी मैं चालू हूँ, राम राम। मोहन की बात तो सच्ची होगी। हे भगवान, मन माफ करिए, इस पाछे मैं मोहन के ब्याह की बात भी नहीं करूं। ले भाई दूध के गला घूट ले। माँ पानी रहिए। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बेरा ना कट गया, ईद तो आ रही था। एक के बात से बहाने, कौन आ रहा था, कौन कित गया? दरवाजे पर अलग जलाने वाला बाबा दिखाइए ना दिया। क्यों होया भाई, क्यों होया रे? ये बावली, मेरे हनुमान बालाजी महाराज द्वार पाए थे, तनवार कर दी बेबे, वे बिना देखे उल्टे चले गए। हाँ? की कहो है भाई तू? हाँ मैं साच कहूँ सुभान। अच्छा भाई। मेरे दौरत हनुमान जी अंते रवंस। भाई रे, मन भी हनुमान के दर्शन करा दे, मैं भी तर जाऊंगी। बाण तने एक दिन श्री हनुमान जी के दर्शन जरूर कराऊंगा। जरूर कराइए भाई। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। भाई द्वार पे ना कोई साधु खड़ा है, जा भिक्षा गाल दे। जी जान गया सू तेरा राज में, तेरे चरणा ने छोड़ू कोन्या आज में। चाहे पीट ले चाहे पुचकार ले, कदी हो कोन्या तुझ ते नाराज में। बालाजी जान गया सू तेरा राज में, तेरे चरणा ने छोड़ू कोन्या आज में। चाहे पीट ले चाहे पुचकार ले, कती हूँ कोन्या तुझ ते नाराज में। बाला जान गया सू तेरा राज में, तेरे चरणा ने छोड़ू कोन्या आज में। चाहे पीट ले चाहे पुचकार ले, कती हूँ कोन्या तुझ ते नाराज में। बाला जी जान गया सू तेरा राज में। We'll be right back.
गया तुझते नाराज मैं, बालाजी जान गया सु तेरा राज मैं। मेरी सांसा के साज में प्यार चाहूं सोचाऊं को ना ताज में, चाहे पीट ले चाहे पुचकार ले, कती हूं को ना तुझते नाराज में, बालाजी जान गया सु तेरा राज में। तुझसे नाराज मैं, बालाजी जान गया सु तेरा राज मैं। मोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा लिए ये देखना चाहता था कि तुमने मुझे साधु के वेश में पहचाना या नहीं। मांगो, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। हे भगवान, मेरी बहन की इच्छा है वो आपके साक्षात दर्शन करे, इसलिए आप मेरी बहन कहानी के घर अवश्य चले और भगवान जलपान करें। मोहन, मैं तुम्हारी बहन के घर अवश्य चलूंगा, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा और जलपान भी ग्रहण करूंगा। बताओ, जलपान में क्या खिलाओगे? हे भगवान, जो मुझसे बन पड़ेगा वही भोजन आपको करा दूंगा। तो चलो। निश्चल सेवा से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? हे भगवान, आप जो दें हमें वही मान्य है। भक्त मोहन, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा से जो भी भेंट चढ़ाएगा मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूँगा, हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करूँगा और इस सालासर में सदैव तुम्हारे साथ निवास करूँगा। कान्ही के घर खुशियां बरसी, उदय के सिर बंधा सेहरा, बोले मोहन बहन से तम मेरा डेरा।
अब खेतों में मेरा डेरा। कन्ही। हाँ भाई। इब मैं खेत में अपनी झोपड़ी गेरू बे, बहु बेटियां घर हो गया, अड़ रहना मेरा ठीक ना है। भाई अड़ बैठे के मैं रह लिए। मर दारूंगा माँ बीच का गेड़ा, बाकी से माल बड़कन है। ठीक से भाई। अच्छा। मामा, गोपी बता रहा था कि बावलिया बाबा की कुटी के पास है ना, घनी सारी सांगरी लाग रही से, मैं तोड़ लाऊं। ना बेटा, बाबा नाराज हो जाएगा, के बेरा के कसून काट दे। रे क्या के कसून कटवावे से, जान दे ने, छोरे बालक तो नीवे खेलते कूदते रहे से। अरे यो दो सांगरी तोड़ लाओगा तो के बाबा इसने खा लेगा। ना ना मत चाहिए बेटा, तेरा बाबू तो नुए कहीं जा कर। अरे जा बेटा, शेरा के बालक नहीं घबराया करते। जाऊं मां? रे क्यों आंख दिखावे से, बालक का दल कमजोर बना देगी नु डरा डरा के। जा रे बेटा तोड़ लिया। नन्हा गोपाला चढ़ा पेड़ पे तोड़न लाग्या सांगरी, डाली लरजी पाती सांगरी। बेटा ध्यान तो उतरिया, देख कदे चोट खा जा। और आना बेटा। की नाम है तेरा? गोपाला। की करेगा ये सांगरी तोड़कर? डर नहीं लग गया तो नाड़ान दिया ना? माँ ने मना किया था, पर बाबा बोले वो बावलिया तने खा थोड़ी ना जागा। बेटा अपने बाप ने कह दिए इन सांगरिया का साग खाने वाला जीवित नहीं रहेगा। पर जो हड़े कुटी पान के अवन कुंड की राख चाट लेगा तो बच जाएगा। गोपाला उरे नाथ। बाबू, वो बाबा नू कवे था जो इन सांगरिया का साग खावेगा ने वो मर जावेगा। बाबू यो साग ना खावे। रे बावले, वो तने डरावे था, कुछ ना होता, ले तू भी खा ले। ना बाबू, मैं ना खाऊं। गोपाला, तेने पहले क्यों ना बताई, मैं ये साग बनाती है ना, मत ना खाओ जी, लाओ मैं इसने फेंक दूं। डट जाने, फेंक दूं, छवाज ना बिगाड़ेगी। हाँ, और बोल बेटा, के क्या था बाबा? अरनू बोला जब सवेरे ते पहला हवन कुंड की राख चाट लेगा ने ते बच जागा। पड़ी रे, ये बाप बाबू बदनु में कह जाग रहे। आए रे गोपाला की मां मर क्या? क्यों यार, क्यों यार, मैं नाटी थी ना, पर ना मानना, ये बने जीते जी मारेगा। ये वजह पर मैं बोल देता हूँ। गोपाला की मां मर क्या, गोपाला की मां। हाँ मां, बाबू ने ना बावलिया बाबा के पास ले चाल, तो बच जागा। हे भगवान, बारे ऊपर मेर राखी। जा बेटा जा, अपने काका ने बुला लिया। गोपाला जी माँ, मेरा सांस गिरन ला गया। गोपाला जी माँ, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। गोपाला जी माँ, हे भगवान, मारे पे मेर राखी। क्यों यार भाभी? भाई तेरे भाई के तेरा ने क्या हो गया सांगरी का सकते? नुके मैं कभी मरण न हो जाऊं। भाभी रो ना, इन्हें तावड़े से बाबा की कुटिया पे ले चल लो। चलो जल्दी ले चल लो, तावड़े चल लो कुटिया पे। बाबा मेरे सुहाग ने बचा दे, मेरे सुहाग ने बचा दे बाबा।
जाओ अवन कुंड में से राख की चुटकी भरकर चढ़ा दो, यो ठीक हो जाएगा और उल्टे पाए अपने घर चले जाओ। शाप दिया पर संभल गए, शब्दों को दिया घुमाए। हे बालाजी महाराज, जाने अनजाने में मैंने उस अहंकारी इंसान को श्राप दे दिया। हे बालाजी महाराज, एक बार उसे माफी देना, एक बार उसे माफी देना। की राख दो चटा ढूंढे की राख दो चटा। हे महाराज, आज पाछे किससे का अपमान नहीं करूंगा महाराज। ये विवकाल गलती माफ कर दे महाराज, ये विवकाल माफी दे दे महाराज। ठीक है बच्चा, अहंकार कदे नहीं करना चाहिए। अहंकार सदा मानस को नीचा दिखाता है। और ध्यान करिए, फिर कदे भी इन सांगरिया का साग ना खाइए। ना, नहीं खाऊंगा महाराज जी। जाओ। जय हो बाबा बावलिया की, जय हो बाबा बावलिया की, जय हो बाबा बावलिया की। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हनुमान भक्त श्री मोहनदास जी की कीर्ति चारों ओर के गांवों में फैल गई। छोटे मोटे कष्ट के लिए भी लोग मोहनदास जी के पास आने लगे। मोहनदास जी सबका भला करते।